नमस्कार जी, मैं हूं चंचल। स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस एक और नए और सुपर फ्रेश व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं Hyundai की क्रेटा नहीं बोल सकते, हम एक तरीके से बोल सकते हैं क्रेटा की डिज़ाइन में जो गाड़ी मॉडिफाई करी है Hyundai ने, उस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Alcazar प्रेस्टीज वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट के बारे में अगर हम बात करें, काफ़ी कुछ चीज़ें लोडेड मिल जाती है, यानी कि आपको बेस वेरिएंट का फील नहीं देगी। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि आपको जो है टॉप वेरिएंट काफ़ी सारे फीचर्स इस गाड़ी में ही आपको लोडेड मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें गाड़ी की प्राइस के बारे में, तो गाड़ी की प्राइस जो स्टार्ट होती है 19 लाख से एंड ऑल द वे जाती है टॉप ट्रिम की कीमत 23 लाख के आसपास। और अगर हम गाड़ी के वेरिएंट्स की बात करें, तो गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम गाड़ी कलर्स की बात करें, तो आपको टोटल 8 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें 6 कलर ऑप्शंस जो है आपको सिंगल टोन में मिलेंगे और 2 कलर ऑप्शंस आपको जो है डुअल टोन में अवेलेबल हो जाते हैं। गाड़ी की अगर और चीज़ों के बारे में बात करें, तो 10.25 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से, साइड व्यू, देन रियर व्यू, और इसके स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल फीचर्स वगैरह भी जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं क्या कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस गाइज, स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के की से। गाड़ी की की अगर बात करें, तो की में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, होल्ड एंड बूट ओपनिंग का। तो ये 4 कंट्रोल्स जो है आपको की में मिल जाती है, और आपको जो है कंपनी की ओर से 2 रिमोट कीज अवेलेबल हो जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट से। गाड़ी के फ्रंट की अगर हम बात करें, तो कास्केड ग्रिल, Hyundai सिग्नेचर कास्केड ग्रिल आपको अवेलेबल हो जाती है। बीच में Hyundai का लोगो मिल जाएगा और सराउंडिंग्स में जो है आपको क्रोम की गार्निशिंग अवेलेबल हो जाती है। अगर हम साइड वाइज चलें, तो साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है LED DRL, और आपको यहाँ पर ट्रायो बीम प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर नहीं, इसको बोल सकते हैं आप LED सेटअप पूरा अवेलेबल हो जाता है, ये चीज़ आप जो है इसको कह सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें, तो नीचे आपको जो है इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसी के नीचे आपको LED अगेन फोग लैंप्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसी के बाद अगर हम इसके फ्रंट में नीचे बात करें, तो नीचे आपको जो है क्लेडिंग मिल जाती है कुछ इस टाइप से सिल्वर फिनिश में, और उसी के नीचे जो है आपको पूरा कवरेज मिल जाता है, इंजन गार्ड आप एक तरीके से पूरा इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसी के बाद इसके साइड में चले, तो साइड में अपोलो के आपको जो है टायर्स मिल जाते हैं। टायर के साइज की बात करें, तो आपको जो है 215/60 सेक्शन का टायर अवेलेबल हो जाता है। R17 का एलॉय मिलता है, यानी कि 17 इंच के जो है डायमंड कट एलॉयज अवेलेबल हो जाते हैं। गाड़ी की एक अच्छी खासियत ये है कि गाड़ी में आपको जो है रियर में और फ्रंट में दोनों तरफ जो है डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। अगेन हम साइड में चले, तो आपको जो है फेंडर पर इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलते, बट आपको जो है इंडिकेटर ORVM पर ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो ORVM पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम पीछे चले, तो आपको जो है ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल हो जाता है, कुछ इस टाइप से रिक्वेस्ट सेंसर का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। साइड में अगर हम बात करें, तो ओवरऑल साइड लुक गाड़ी का कुछ इस टाइप से पूरा मैं आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस टाइप से आपको जो है पूरा गाड़ी का ओवरऑल साइड लुक मिल जाता है। SUV से अगर हम बात करें, तो लेंथ में, विड्थ में, और थोड़ी सी मतलब ये जो है एंडेवर वगैरह के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी ही रहने वाली है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विथ क्लेडिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। व्हील आर्च की भी जो है क्लेडिंग कुछ इस टाइप से आपको ब्लैक फिनिश में अवेलेबल हो जाती है, मेट ब्लैक फिनिश आप कह सकते हैं। A और C पिलर जो आपको ग्लोसी फिनिश में अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें, तो यार डोर हैंडल्स में आपको जो है यहाँ पर क्रोम फिनिश मिलेगा, और फ्रंट में आप देखेंगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको अवेलेबल हो
हो जाते हैं यहाँ पर। और बीच सबसे रियर वाली सीट के लिए आपको जो है कुछ इस टाइप से विंडो एरिया अवेलेबल हो जाता है। ऑल दो विंडो एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि यार एयरी फील और जो है काफ़ी रूमी फील जो है गाड़ी देती है। तो फ्रंट में और रियर में भी आपको जो है विंडोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। रियर में अगर हम बात करें तो अगेन वही आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे और 17 इंच के डायमंड कट एलॉयज अवेलेबल हो जाते हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। गाड़ी के अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले गाड़ी का आपको मैं रियर प्रोफाइल पूरा चेकआउट करवा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से रियर प्रोफाइल रहने वाला है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फोगर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर मिल जाएगा, देन आपको जो है यहाँ पर चार सेंसर्स मिल जाते हैं। पीछे अल्कज़ार की बेजिंग यहाँ पर इस टाइप से अवेलेबल हो जाएगी, ह्युंडई की बेजिंग कुछ इस टाइप से अवेलेबल हो जाती है। और पीछे के जो टेल लैंप्स है एलईडी, पूरा सेटअप आपको एलईडी मिलता है। यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीज़ें जो है हेलोजन में मिलेगी, जो कि इंडिकेटर बल्ब्स हैं, बाकी तो जो है पूरा एलईडी सेटअप कुछ इस टाइप से अवेलेबल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये हमें एंडेवर का जो है थोड़ा सा लुक देता है, बट जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं 1-2% जो है एंडेवर का फील दिलाता है। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको जो है अल्काजार का जो है क्रोम फिनिश में कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पर आपको जो है नीचे कैमरा मिल जाएगा अल्काजार की बेजिंग के नीचे, और आपको जो है बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक बूट ओपन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम थर्ड रो डाउन के साथ बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है। अगर थर्ड रो अप रहती है तो यहाँ पर 180 लीटर्स का जो है बूट स्पेस अवेलेबल हो जाता है। फिलहाल जो है थर्ड रो पूरी डाउन है, तो डाउन होने के बाद किस टाइप से इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस बन जाती है। अगर हम थर्ड रो डाउन के बाद बात करें तो इसमें आप लगभग 6-7 बैग्स इसमें आराम से रख सकते हैं। आपको अगर थर्ड रो को अप करना हो तो कुछ इस टाइप से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये थर्ड रो पूरी ओपन के साथ हम इंटीरियर में कितनी स्पेस है वो इंटीरियर में बात कर लेंगे। अभी जो है पूरी रिक्लाइंड है, यहाँ पर थर्ड रो में भी आपको रिक्लाइन एंगल के साथ सीट्स अवेलेबल हो जाती है। तो ये कुछ इस टाइप से रियर से इसका पूरा लुक रहने वाला है। चलिए हम टेल गेट को पहले क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो है ग्रे बंडल मिल जाता है। तो ये मैंने आपको पूरा रियर का जो है व्यू बता दिया, रियर की काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दिए। रियर में एक और चीज़ आपको मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम साइड से बात करें तो साइड में एक और चीज़ जो है आपको मिलती है, जो कि रूफ रेल्स है। तो रूफ रेल्स कुछ इस टाइप से आपको मिल जाती है, और जो है आपको शार्क फिन एंटीना कुछ इस टाइप से पीछे मिल जाता है। एक और चीज़ की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिव लुक देने के लिए रियर स्पॉइलर कुछ इस टाइप से अवेलेबल हो जाता है, जो कि गाड़ी के लुक को ओवरऑल एनहांस कर देता है। सो गाइज, अब हम गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, और इंटीरियर में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस, क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, उन सारे फीचर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम गाड़ी के डोर ओपनिंग की बात करें तो डोर कुछ इस टाइप से आपको जो है 90 डिग्री तो नहीं, बट अराउंड आपको 80-85 डिग्री का डोर ओपनिंग एंगल अवेलेबल हो जाता है। चलिए अब गाड़ी के ड्राइवर सीट पर चल के देखते हैं। तो ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ड्राइवर सीट में आप अभी जो है मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया है, तो गाड़ी में आपको जो है ड्राइवर सीट में 6-way एडजस्टेबल सीट मिल जाती है ड्राइवर साइड में। तो एक जो है अप एंड डाउन, एक रिक्लाइन एंगल और एक स्लाइडिंग एंगल। तो ऐसे करके आपको जो है 6 जो है एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट पे अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए बात अगर हम करें गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से, तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको जो है गाड़ी का ओवरऑल स्टार्ट करने पे लुक मिलता है। गाड़ी के अंदर आ गए और गाड़ी के जो है डिटेल्स को डिस्कस करने वाले, इंटीरियर में क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के डोर से। तो गुड मॉर्निंग या ओके यस। सो स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के डोर से। तो डोर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो है ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, और जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो है एडजस्ट करना है, सेट करना है, या राइट साइड में आपको जो है ORVM सेट करना है उसका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से आप अगर लेफ्ट का देखते हैं तो लेफ्ट में कुछ इस टाइप से आप जो है अप राइट हैंड साइड एंड डाउन साइड, तो कुछ इस टाइप से आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको राइट में हम कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऑल फोर डोर लॉक
अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ड्राइवर साइड वन टच ऑटो अप एंड डाउन विथ एंटी पिंच ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बाकी जो है बाकी सभी दूर आपको जो है पावर विंडो एंटी पिंच नहीं मिलता है, बट आपको जो है ड्राइवर साइड में वन टच ऑटो अप एंड ऑटो डाउन विथ एंटी पिंच अवेलेबल हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाती है और उसी के नीचे जो है आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी की अगर स्पीकर्स की बात करें तो चार स्पीकर्स दो ट्वीटर्स मिल जाते हैं गाड़ी में आपको, और टॉप ट्रिम्स में जाएंगे तो वहां पर आपको टोटल 8 स्पीकर्स अवेलेबल हो जाते हैं। गाड़ी की अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर डोर हैंडल्स कुछ इस टाइप से सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। ये मेटालिक नहीं है बट प्लास्टिक कह सकते हैं आप, फाइबर फिनिश में कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। और अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो यार इंटीरियर आपको जो है डुअल कलर ऑप्शंस में मिलता है ब्लैक विथ ब्राउन, बट यहाँ पर जो है मटेरियल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक का मटेरियल अवेलेबल होने वाला है। यहाँ पर कुछ स्टेप से स्पेस ओवरऑल मिल जाएगी। और अगर हम स्पेस की बात करें तो यार स्पेस के मामले में यहाँ पर 2 बोतल होल्डर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है मैगजीन होल्डर अवेलेबल हो जाती है। अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील कुछ इस टाइप से आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसमें दोनों तरफ जो है आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड, वॉइस काटना हो या मतलब जो है कॉल कट करना हो या कॉल उठाना हो उसका ऑप्शन मिल जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा और मोड चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में आपको जो है क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओके की बटन यहाँ पर मिल जाएगी, आपको जो है स्पीड बढ़ाना है या कम करना है उसका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और जो है क्रूज को डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना हो तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है डी कट स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा। डी कट स्टेयरिंग व्हील कुछ इस टाइप से आपको मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर सिल्वर फिनिश डिजाइनिंग कुछ इस टाइप से दिया गया है। अगर हम बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, जो कि इसकी जो है स्पोर्टीनेस को और ज्यादा एनहांस करता है। चलिए अब अगर हम नॉब्स की बात करें तो नॉब्स जो है लेफ्ट हैंड साइड नॉब्स में आपको जो है वाइपर्स के कंट्रोल्स और राइट हैंड साइड में आपको जो है हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पर बेसिक वेरियंट में ही आपको जो है ऑटो हेडलैम्प्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब चलते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ओर। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कुछ इस टाइप से आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको जो है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आप इसको बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो 0 to 6000 आरपीएम तक का जो है टेकोमीटर में ऑप्शन दिया है। बीच में अगर हम बात करें तो 0 to 240, ये वाली जो पर्टिकुलर स्क्रीन है ये डिजिटल स्क्रीन है, तो डिजिटल स्क्रीन में आपको जो है 0 to 240 की मैक्सिमम स्पीड अवेलेबल हो जाती है। साइड में आपको जो है ट्रिप मीटर दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है माइलेज बताता है और फ्यूल टू एम्प्टी कितना है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। राइट हैंड साइड में बात करें तो आपको जो है दो गेज मिलते हैं, एक तो फ्यूल गेज मिलेगा और एक जो है टेम्परेचर गेज अवेलेबल हो जाता है। साइड में आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, सीट बेल्ट का इंडिकेशन, इंजन मेल फंक्शनिंग वगैरह का इंडिकेशन भी यहाँ पर आपका अवेलेबल हो जाता है। लाइट्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। अब मेन चीजों की बात करते हैं, इसमें आपको जो है दो काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला जो है 64 कलर्स में एम्बियंट लाइटिंग्स मिल जाएंगी, और ऊपर अगर हम बात करें तो आपको जो है सनरूफ अवेलेबल हो जाती है। ऑल्दो आप अगर इसको हेक्टर से कंपेयर करेंगे तो हेक्टर में अराउंड 90% कवरेज रहता है। हेक्टर तो नहीं कह सकते, आप जो है एमजी ZACV या आप एस्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो एस्टर, हालांकि कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट आप अगर कंपेयर करते हैं एस्टर से ZACV से तो उसमें आपको जो है सनरूफ का 90% कवरेज मिल जाता है। ऑल्दो इसमें भी काफी ज्यादा अच्छा कवरेज मिल जाएगा। चलिए अब हम सेंटर कंसोल पे चलते हैं। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है एसी वेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, एसी वेंट के एडजस्टमेंट आप कुछ स्टेप से कर सकते हैं। इसका 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे जो है फीचर्स इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। उन दोगो आप जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ नेविगेशन को भी यूज कर सकते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम आपको जो है मिलता है इसमें, तो वो एक काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। नीचे कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो सारे कंट्रोल्स जो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बारे में जो है कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पार्किंग बटन मिल जाएगी, कुछ इस टाइप से आप पार्किंग बटन को यूज कर सकते हैं। इसी बाद अगर हम बात करें तो नीचे आपको जो है एसी के पूरे कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, और आप अगर चाहें तो मैनुअल भी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लोअर स्पीड बढ़ाना हो या ब्लोअर स्पीड कम करना हो तो कुछ इस टाइप से आप नोब से उसको कर सकते हैं। रियर फ्रंट डिफोगर वगैरह आपको ऑन ऑफ करना हो तो वो वाली सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के नीचे अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर कवर रखा गया है अमन भाई के द्वारा, आप देख सकते हैं अमन भाई को काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, शायद गाड़ी ज्यादा पसंद आ गई। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या लगा है आपको? पॉजिटिव पॉइंट तो अपना यही है कि माइलेज अच्छा देती है। माइलेज ऑफकोर्स अच्छा देती है, एमजी एक्टर से, क्योंकि एमजी एक्टर की अगर हम बात करें तो अराउंड 10 to 12-13 के आसपास रहता है, तो
तो इसमें माइलेज भी अच्छा है और स्पेस के मामले में कैसी लगी है? स्पेस के मामले में तो यही अच्छी है एमजी से। चलिए भाई, स्पेस के मामले में मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, तो ऑफकोर्स है भी अच्छी, स्पेस के मामले में भी अच्छी है। आपको इसमें सिर्फ स्पेस के मामले में एक चीज की कमी लगेगी कि हेडरूम जो है, हेडरूम आप अगर देखेंगे मेरा तो कुछ इस टाइप से इतना ही बचता है, तो हेडरूम के मामले में कहीं ना कहीं एमजी हेक्टर इससे थोड़ी सी आगे है। चलिए अब हम सेंटर कंसोल में नीचे अगर बात करें तो नीचे स्पेस कुछ इस टाइप से आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। साइड में आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, बीच में यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको जो है एक और चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल हो जाता है। नीचे अगर हम बात करें तो आपको जो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसमें, और इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यार इसमें रिवर्स जो है आपको यहाँ से अप करके फिर आपको रिवर्स रहेगा। साइड में बात करें तो 360 डिग्री व्यू का जो है आपको यहाँ पर बटन अवेलेबल हो जाता है। नीचे अगर हम बात करें तो 2 बोतल होल्डर का स्पेस मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैं कहूँगा कि यार बोतल कुछ इस टाइप से हमारी है तो थोड़ी सी यहाँ पर कंजेस्टेड स्पेस है, हालांकि वो कप होल्डर्स है तो कप्स आराम से आप जो है रख सकते हैं, बट बोतल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो कुछ इस टाइप से आपको 2 बोतल होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर का भी ऑप्शन मिलता है, एयर डिटॉक्सीफायर या प्यूरीफायर आप कह सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिलती है, यहाँ पर आप जो है कुछ भी आपका थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में बात करें यहाँ को ड्राइवर सीट की बात, सीवेंट वहाँ पर मिल जाएगा, एयरबैग का बेजिंग मिल जाता है, एक SRS एयरबैग का बेजिंग यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो अगर SRS की बात करें तो SRS जो है सेकेंडरी रिस्ट्रेंट सिस्टम होता है, तो सेकेंडरी रिस्ट्रेंट सिस्टम का मैकेनिज्म कभी और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं को ड्राइवर सीट में स्पेस की, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो जाता है। थोड़ा सा डीप स्पेस है और बाकी वाइड अगर बात करें तो वाइड भी काफी ज्यादा अच्छा है। कूल ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो आपको यहाँ पर स्पीकर्स मिल जाएंगे, 2 बोतल होल्डर के ऑप्शन मिल जाते, 2 तो नहीं आपको 2 जो है ड्राइवर साइड में मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड में आपको जो है 1 बोतल होल्डर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, और बाकी जो है मैगजीन होल्डर वगैरह आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। ट्विटर का ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, ORVM वगैरह कुछ इस टाइप से आप जो है फोल्ड अनफोल्ड करना हो तो आप यहाँ से कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, तो इस बटन से आप जो है ORVM को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। अगर हम IRVM की बात करें तो IRVM जो है आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, तो ऑटो डिमिंग IRVM के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है इसकी विजिबिलिटी पीछे भी कुछ इस टाइप से रहती है, तो विजिबिलिटी वाइज भी ठीक ठाक है मतलब। चलिए ऊपर अगर हम बात करें तो एक जो इसका सबसे बड़ा फीचर है वो सनरूफ का है, तो सनरूफ कुछ इस टाइप से आप वन टच जो है सनरूफ ओपनिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सनरूफ की बात करें तो NTPIN जो है सनरूफ मिलता है, कुछ इस टाइप से ओवरऑल कवरेज आप देख सकते हैं। तो हाफ जो है इसका हार्ड सेक्शन हाफ खुलता है, बाकी सॉफ्टवेयर सेक्शन जो है पूरा पीछे तक चले जाता है, तो वन टच क्लोज और वन टच ओपन में आपको जो है सनरूफ अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम ग्रेब हैंडल्स की बात करें, 4 जो है ग्रेब हैंडल्स मिलते हैं, 1 को ड्राइवर साइड और 2 पीछे की साइड में, 2 आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए ये तो मैंने फ्रंट सीट के बारे में डिस्कस कर लिया, मैं फ्रंट सीट को एडजस्ट करके रियर में कैसी स्पेस है वो वाली सारी चीजें आपको बता देता हूँ।